ये है कि तेरा कोटा से जो मूर्ति बनाया जाता था जिस से उस का नाम नाम क्या है? मेरा नाम है मेरा अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हमारे अमितो पर कल्चर का ये आज हम सभी बात करने वाले हैं टेरा कोटा टेरा कोटा मूर्तियों के बारे में सिविल सर्विस को टारगेट करते हुए बनाया गया है लेकिन उसके अलावा जितने भी कंपिटेटिव एग्जाम है उन सभी एग्जाम के एस्पिरेंट के लिए होने वाला है। तो चलिए समझते हैं आर्ट कि तीन तरह का बेसिकली आर्ट होता है, आर्ट, आर्ट है। में मैंने बात किया था आर्किटेक्चर स्कल्पचर इन सारी चीजों का बाकी फिर परफॉर्मिंग आर्ट और अदर आर्ट में आएंगे तो जब बात होता है आर्किटेक्चर का तो उस पर हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्कल्पचर का और में आज बारी है टेरा कोटा के मूर्तियों का टेराकोटा जो शब्द है इसका अर्थ निकलता है पकी हुई मिट्टी यानी मिट्टी को पका देना आग में गर्म करके पका देना रेड कलर का जो हो जाता है वो उसे बेसिकली टेराकोटा बोला जाता है सिंपल आप मिट्टी लो मिट्टी का कोई भी आकृति बना दो उसे सुखा दो धूप में आग, आग में गर्म कर दो लाल हो जाए वो टेरा कोटा कहलाएगा लेकिन इस टेरा कोटा से की बनी हुई जो भी मूर्तियां हमें इंडस वैली से में मिली हैं उनका संख्या पहली बात तो कम है बना होगा बहुत लेकिन वो आसानी से टूट जाते हैं तो शायद टूट गए होंगे समाप्त हो गए होंगे पहली बात दूसरी बात एक तो संख्या कम मिला और दूसरी बात कि ना उसमें फिनिशिंग नहीं है प्रॉपर जैसे आप अगर आप मेटल का बना हुआ मूर्ति देखो जैसे वो कासे की नृतंगना काफी फिनिशिंग है उसमें इन दी कॉम्पिटिजन ऑफ टेराकोटा स्कल्पचर काफी अधिक अंतर पड़ जाता है यानी कि टेराकोटा के बने हुए मूर्तियों में कुशलता का अभाव था उतने कुशल उतने निपुण नहीं थे टेराकोटा का जो भी मूर्ति बना है वो बेसिकली पिंचिंग मेथड से बनता था अब ये क्या होता है तो देखो पहले मिट्टी को साफ किया जाता था जैसे आप कुम्हार को देखते हो मिट्टी को पहले पूरी तरीके से पानी में मिला देते हैं उसे कंकड़ पत्थर हटा देते हैं फिर उसे पीटा जाता है मारा जाता है धागे से काटा जाता है उसके बाद फिर से उसे गूंदा जाता है और तब कोई आकृति बनाया जाता है तो इस तरीके से एक मूर्ति बना लेते थे मिट्टी का एक आकृति बना लेते थे उसे धूप में सुखा देते थे सुखाने के बाद उसे आग में शायद गर्म कर देते थे और इस तरीके से वो टेरा कोटा का मूर्ति तैयार करते थे तो टेरा कोटा बेसिकली टेरा कोटा की ज्यादातर मूर्तियां गुजरात कालीबंगा वाले रीजन में मिली हैं और इसमें जो मूर्तियां हमें अधिकांश देखने को मिली हैं वो है मातृदेवी की मूर्ति इससे दो बात क्लियर होता है एक बात तो कि टेरा कोटा का इस्तेमाल हो रहा था और दूसरी बात कि देवी के रूप में कोई हुआ कर हुई करती होंगी जिनका ये सभी आराधना करते थे पूजा करते थे इसी कारण से ज्यादातर हमें जो मूर्ति मिली है टेराकोटा का की बनी हुई वो सारे के सारे ज्यादातर मातृदेवी खिलौने भी मिले हैं पशुओं का मूर्ति भी मिला है कुछ छोटे छोटे गाड़ियां बेलगाड़ियां भी मिली हैं एक मातृदेवी का मूर्ति जो कि बहुत अधिक पॉपुलर हुआ टेराकोटा का बना हुआ मूर्ति तो इस तरीके से आप समझे कि टेराकोटा का मूर्ति का भी इस्तेमाल हो रहा था उस वक्त और आज भी सेम उसी प्रोसेस से टेराकोटा का मूर्ति बनता है लेकिन इस वीडियो को एंड करने के पहले आज का सवाल और आज का सवाल यह है कि टेरा कोटा से जो मूर्ति बनाया जाता था जिस मेथड से उस मेथड का नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम